भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। मॉडर्न संस्कृति कितनी भी बढ़े लेकिन गांव के लोग अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही दो गांव के बीच में चलने वाली भावना और इंसानियत की लड़ाई है। ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है जो हम आपको दिखाते हैं। डिग्री पढ़ के क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, तू अभी तक पत्थर ही तोड़ रहा है। डिग्री पढ़कर आ तो तुझे कन्या देंगे, नौकरी देंगे, ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए मैं पढ़ाई करके आया। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ज्ञान हासिल करो। अरे बेवकूफ, हम जैसे लोगों की तकलीफ उनको कहाँ समझ में आएगी। 150 पोस्ट के लिए 300,000 लोग एप्लीकेशन डालते हैं, डीडी भरवा कर लोगों को पागल बनाकर अपने ही बोर्ड को काम दे देते हैं बस। मतलब गरीब के बच्चों का काम छीन लेते हैं। जाने दे यार, यही तो हमारा नसीब है, ये पत्थर तोड़ना ही लिखा है तो क्या करें। अरे बोर्ड को ठीक से लगाना। हेलो शंकर, मेरी फोटो नहीं डाला, सिर्फ नाम डाला है। तुमने आधे पैसे दिए थे ना, इसलिए सिर्फ नाम डाला है। तुम लोग शाने हो तो मैं ढेर शाना हूँ। ये देख फोटो लेकर आया हूँ, चिपका दिया है। सब मेरे साथ राजनीति करते हैं। बुआ के बेटे हो, सिर्फ इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं, वरना चप्पल से मार मार के पूरे गांव भर घुमाती तुम्हें। अपनी जुबान को लगाम दे। तुंगा, चंद्रा गौड़ा आया है क्या, उसे अंदर भेज दे। पापा बुला रहे हैं तो चुपचाप अंदर चले जाओ, तेरी मर्दानगी का फैसला तो अब समय ही करेगा। चल उठ, उठ यहां से, चल जा, निकल, जा जा। काका और तेज घुमाओ। आसपास तेज हवा चल रही है, गुरु का दर्शन हुआ तो भी भूलना है, लिंग पूजा हुआ तो भी भूलना ही है। लोगों के सामने रुककर भी, यह धरती उस कैलाश की है, ईश्वर लिंग ही सब कुछ है, हम इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं। आ हा हा, क्या बात है बाबा, ये और इनका साहित्य, ये सब मिलकर सुबह सुबह हमें पागल ही कर देंगे। इसे क्या समझ आएगा, बच्चा है ये। अरे चिन्ना, बच्चा है ये, सही कहा, इसे कहा समझ में आएगा। जा ना अपना काम कर। हे तू जा। अभी बताता हूँ, कहा था ना कि मठ में कभी पीकर मत आना। स्वामी, वो अपना सिद्धा है ना, उसने अपनी इतनी बड़ी फोटो लगाई है, मेरे से उसने 300 रुपए लिए और सिर्फ नाम लिख दिया है नीचे। उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ये बात शंकर की माँ से पूछा तो बोला तूने आधे पैसे दिए थे इसलिए सिर्फ नाम डाला। मेरे को बेवकूफ समझते है ये। मैंने अपनी जेब से फोटो निकाली, उस पे लगाया और चुप कर दिया सीधा। चुप हो जा बालाजी, आप बोलिए। वही जी, वो मेरा बेटा शंकर। ना तेरा शंकर। थू 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 थू,
उसके लिए तुम्हारे मठ के अंदर बिल्कुल मत आना। उसका नाम भी लेगा तो कभी आना ही नहीं। मैंने कहा ना, उसने इनका भी नाम नहीं दिया। अरे चुप हो जाना, क्या बक रहा है पंडित जी। ऐसा मत बोलिए ना, वो आपके आशीर्वाद से ही पैदा हुआ है। दीदी आशीर्वाद बदल गया है, पंडित जी का आशीर्वाद फेल है। क्या बोला? मतलब आपका आशीर्वाद झूठा नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो चुप हो जा। माला जी आप बोलिए। हाँ जी, मेरा बेटा है ना, हमेशा घर में ही रहता है, लेकिन वो उसके दोस्त सिद्धार्थ शरीफ, वो है ना आनंद भीमा पीपी परशा, वो कभी नहीं किसी काम। चुप हो जाना पंडित जी। उन सब ने मिलकर ना मेरे बेटे को बिल्कुल बिगाड़ दिया है, अब आप ही कुछ कीजिए। हमारे मठ में आकर हमने एक युवक संघ बनाया है, आप उसके अध्यक्ष बनिए, ऐसा कहने आया था। मैं भी उसका मेंबर हूँ। 300 रुपए दिए, 300 रुपए फ्री का नहीं। अरे वो बच्चे हैं या बच्चों के नाम पे शैतान शैतान शैतान। वो सिद्धा अगर गांव में किसी लड़की की शादी हो तो ट्रैक्टर पर कैसे गाना लगा कर जाता है पता ना? अरे मैं तो प्यार किया है, मेरा दिल तो धड़कता है पंडित जी, धड़कता है दिल, धड़कता है मेरा तो दिल, धड़कता है तू चुप होगा कि नहीं होगा? क्यों बिना बात हमारे गले पड़ रहा है? ऐसा तो मैं आपसे छिपा किया था पंडित जी। अरे बंद करिए हरकत, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं। आप हाथ मत जोड़िए, आप बड़े, आपके पैर फेंके जाता। अरे दीदी चलिए ना यहाँ से। अरे अभी उनका मूड नहीं है दीदी, नहाने के बाद जब फ्रेश हो जाएंगे, पूजा कर लेंगे तब आएंगे। सुन, आज से मैंने पूजा नहाना सब कुछ छोड़ दिया है, दोबारा मठ में मत आना तुम लोग, वरना लट पड़ेंगे। चलिए बस पकड़, तुम्हारी वजह से बदनाम हो रहे हैं, जाएगा टाइम बर्बाद हो। सिर्फ खा खा कर सोना है बस, काम धंधा तो कुछ है नहीं, पता नहीं गृहस्थी कैसे बसाएगा, भगवान जाने नसीब में क्या लिखा है। मेरा मुंह क्या देख रहा है खाना? अरे चिल्ला क्यों रही है, मुझे डांटने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुझे? डांटे बगैर तू समझेगा नहीं ना। ए यहाँ देख, इतना बड़ा हो गया है पर दो पैसे की अकल नहीं है, कब अकल आएगी तुझे बेवकूफ। शंकर और दही डालूं क्या? थोड़ा सा डालना। अच्छा शंकर, उस रस्सी वाले शरीफ के साथ मिलकर वजरगड़ी पर बार बार जाकर सुना है तो किसी लड़की को देख रहा है। कॉलोनी में सारी औरतें इसी बारे में बात कर रही हैं। देख शंकर, दिंडुर में हमारे रिश्तेदार की एक बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। अरे चुप रहो, 3 साल से बस यही कह रही है तू, वो आज बड़ी हो जाएगी, कल बड़ी हो जाएगी और 6 महीने में बड़ी हो जाएगी। अब पता नहीं वो कब बड़ी होगी और मैं कब उससे शादी करूंगा। अच्छा माँ, इसलिए मैंने दूसरी लड़की देख ली है। तुझे पता है तेरा बाप भी ऐसा ही था, चेहरे पर मूछ नहीं आई कि मुझे देखने आ गया था। हाँ, घर वालों ने मना किया ना, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, बेताल की तरह दिन रात मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। शंकर, मैं भी तभी जवान हो गई थी, इसके जैसा लड़का मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं ये सोचकर मैंने तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा मुंह क्या देख रहा है ऐसे, शादी के 3 साल बाद तेरे पैदा होते ही तेरा बाप पी पी कर ऊपर निकल गया, जवानी में ही मेरी दुनिया उजड़ गई। वो ऐसे ही नहीं गया। क्यों, क्या किया है उसने? तेरी बकबक से परेशान होकर खेत घर सब कुछ छोड़ कर गया है, नहीं तो तेरे हाथों से रोज मरता था वो। हाँ हाँ मरता था, स्कूल में पढ़ूंगा, नौकरी करूंगा, साहब बनूंगा, पुलिस बनूंगा, ये कहकर पत्थर तोड़ने चला गया, उसकी वजह से तुझे झेलना पड़ा। रोज मेरे भी दिन आएंगे, मैं क्या हूँ मैं दिखाऊंगा। जब देखो डांटती ही रहती है, रात को भी कोई डांटता है क्या किसी को? ए बजरंग बली, अरे पापा तो उठ गए। कैलाश पर्वत पर वास करने वाले देवाधिदेव महादेव को नमस्ते नमस्ते, या अल्लाह परवरदिगार। सलाम अलैकुम बाबा, अभी उठे क्या? अरे चिन्ना बेटी मेरी माँ, आज तुम मुझे नमस्ते कहोगी तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, जल्दी से अपना मुंह धो लो, टंकी का पानी ना बह रहा है। मैंने कितनी बार तेरी माँ को कहा टंकी खराब हो गई है, ऐसे ही पानी गिरते रहेगा। कितनी बार कहा तेरी माँ से कि बदल दो उसे। हाँ, टंकी बहुत महंगी है, हम क्या कर सकते हैं,
कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नई टंकी लेनी ही होगी। जेब में फूटी कोड़ी नहीं हो टंकी लेने की बात कर रहे हैं, नई टंकी क्या तुम जादू से लेकर आओगे? हा? देखो इसे, इसका दिमाग भी टंकी की तरह है। मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या समझ रहा है? इस शरीफ को टंकी से कंपेयर मत करो बाबा, उस टंकी की मजबूती इससे कहीं ज्यादा है। पता है क्या, सिर्फ 700 रुपए में लेकर आए थे हम। देख ले, इनकी टंकी सिर्फ 700 रुपए की है और तू इसकी टंकी और मेरे से मजबूत है। सुबह सुबह दिमाग खा रही है मेरा। बदतमीज। हे परसा, उस लड़की को देख देख करके ना वो सिद्धा ने पटा लिया। वहाँ क्या देख रही है? आ रही हूँ ना, दिखाई नहीं देता क्या? ए चल दे। हम चले क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा तो देख मैं क्या करती हूँ। मैं भी शेर की बेटी हूँ, जा रही हूँ देख। ठीक है चल। परशा भैया, मैं जाकर आ रही हूँ, तुम लोग आराम से करो। ये तो चुपचाप जाना चाहिए, इतना भाव क्यों खा रही है ये? हाँ ठीक है ठीक है। हे भीमा, परशा, तुम लोग मिट्टी भरो, मैं शहद चक्कर आता हूँ। सिद्धा भैया, कितना शहद चकोगे? हमें भी थोड़ा चकने दो ना। क्या बोल रहा है ये? नीली लोटा लेकर गई ना सिद्धा भैया, शहद चकने के लिए उसके पीछे गए हुए हैं। मैं भी कितनी बार लोटा लेकर गई हूँ, पर तू तो कभी पीछे पीछे नहीं आया। ए तू, जरा इसकी शक्ल तो देख, तवे पर जली हुई रोटी की तरह है। इसकी आंखें देखिए, ऊपर से नीचे तक देखते रहता है। खुद फूल के गुब्बारा हो गई है और मुझे जला हुआ डोसा। कमीने, सुन, तेरे गोरे गोरे गाल और आंखें नशीली, मैं इस पे दीवाना हो गया। मुझे लेकिन क्यों? क्यों मतलब, रोज लोटा लेकर आने में भला क्या मजा है? इसके अलावा भी कोई और मजा है क्या? रोज डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, मुझसे शादी करके बच्चे कब देगा मुझे? अरे उसके लिए तो मैं कब से तैयार हूँ। सोनू, अब तक तो कच्चे लाइसेंस पर है, पहले अपना लाइसेंस पक्का कर। पक्का करूँ? और नहीं तो क्या, जल्दी शादी करेंगे तो लाइसेंस पक्का हो जाएगा और उसके बाद बिंदास गाड़ी चला सकता है। फिर उसके बाद अगर एक्सीडेंट हो गया तो भी खून खराबा नहीं होगा। हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। इस्माइल, गाड़ी छोड़ के जाना। चल उतर, चल उतर। क्यों यार? पैदल जाना है, चल उतर। अरे क्यों, क्या हुआ? बहुत भाव बढ़ गए हैं तेरे। क्या हुआ? तू राजा और मैं नौकर है ना? अबे इसकी तो। चल साइकिल पकड़। साइकिल? मैं? पकड़ साइकिल, पकड़। लड़की को देखना है कि नहीं? चल साइकिल पकड़, चुपचाप पकड़। इसमें एक रस्सी और थी, वो कहाँ है? उसी में रहेगा, देख ले। रस्सी ले लो, मजबूत रस्सी। अरे जल्दी जल्दी रस्सी बेच यार। अरे, हे इसको देख, संभल कर चला यार, लगता है अंधा है शायद ये।
रस्सी ले लो, रस्सी बांधने वाली रस्सी बस ले लो। चल यार अभी क्या लगा रखा है तूने? वो देख वो साहूकार है ना, उसके पास मेरे पैसे पड़े हुए हैं, वो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तेरे साथ आया हूँ ना, गधा हूँ मैं। क्या बोला तूने? नहीं कुछ नहीं, बस कब दिखाएगा पूछ रहा हूँ। अरे शाम को दिखाऊंगा ना, चल चुपचाप चल, तू आगे मत आ, तू यहीं पे रुक। सुन मैं उनसे मिलकर आता हूँ, ठीक है? नमस्ते साहूकार जी। हाँ नमस्ते, कैसे हो? मैं रस्सी लेकर आया हूँ। अरे परसों तो लिया था हमने, वो पुराना पैसा बचा था, अगर वो मिल जाता तो। परसों ही तो तेरे पापा को दे दिया था। हाँ वो तो दे दिया, मगर कुछ पैसे बचे हुए हैं ना। ऐसा है क्या? ये ले। सिर्फ 500 रुपए? अरे उस दिन तेरे पापा को बाकी दे दिया था, उन्होंने मुझे बताया नहीं। जाके पूछ ले। चाचा मैं आपके घर में गया था, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका भी बाकी दे दीजिए ना। बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है मेरे लिए ये, अब बाकी के पैसे दे भी दो। हाँ ये ले बाकी के। आपका तो हिसाब खत्म हुआ, पर 1000 पुराने बचे हैं। अरे 10 दिन में दे दूंगा ना बेटा। अभी और रस्सी चाहिए क्या आपको? नहीं अभी नहीं चाहिए। अरे ये बिल्कुल नहीं है, बहुत मजबूत रस्सी लाया हूँ, ले लो। चाहिए बोला ना। अरे ले लो, अरे ले लो। अरे पूरे घर में इसी को भर दे क्या? ठीक है तो मैं चलता हूँ। नमस्ते बेटा जा। नमस्ते नमस्ते आंटी। साहूकार के घर में धंधा अच्छा हुआ ना, पार्टी तो देगा। अबे पार्टी तुझे ही देना होगा, क्योंकि तू लड़की देखने वाला है, तुझे ही देना होगा। ठीक है बाय। ए शरीफ। हाँ चाची बोलो ना। छोटी रस्सी है क्या? छोटी रस्सी लेकर क्या करोगी? हमने वो बनाना छोड़ दिया, अपने पति को बांधने वाली थी क्या? चल जा जा। बड़ी रस्सी बेच रहा हूँ, चाहिए क्या आपको? बड़ी रस्सी लेकर क्या करूंगी मैं? रस्सी ले लो, रस्सी मजबूत रस्सी, लंबी बड़ी रस्सी ले लो। कब से चिल्लाता ही जा रहा है, चलना जल्दी जल्दी। क्या कर रहा है यहाँ पर, कितनी देर चिल्लाते बैठेगा? अब आगे बढ़ निकलना है अपने। ये मेरी रोजी रोटी है, समझ गया ना? तू तो कुछ काम करता नहीं है शंकर। हाँ बोल। मेरी बात सुन, जैसे ही मैं सिग्नल दूंगा चुपचाप वहाँ पर आ जाना। नहीं आया तो इसी रस्सी को लपेट कर तेरा गला घोंट दूंगा। ए ऐसा कुछ मत करना, आ जाऊंगा। चल अरे भाई, चल ना। अरे आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। चल चल, रुको रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तू आएगा तभी तेरा काम करूंगा, समझ गया ना? रस्सी ले लो, रस्सी। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। यहीं पे रुक, साइकिल लगा दे यहीं पे। यहीं पर लगा दूं? यहीं पे लगाना, और इसको पहन ले। ये किस लिए? अरे पहन तो, पकड़ इसको। ए? ज्यादा रस्सी लेकर आया हूँ मैं, ऐसा उनको बोल दूंगा, समझ गया? तू बस देखते जा मैं क्या कर रहा हूँ, चला मेरे साथ। बहुत मस्त है तू। आपके घर के भगवान स्वयं महादेव हैं, देवी स्वयं माँ पार्वती हैं, आपकी खेती बहुत अच्छे से चलेगी। कितना चिल्लाता है, चुप हो जा। गुस्सा मत कीजिए सरकार, गुस्सा मत कीजिए। नायक जी, वज्रगढ़ी में सबसे बड़ा खानदान है आपका। राम गौड़ा के पुत्र निगेर गौड़ा, निगेर गौड़ा के पुत्र संगन गौड़ा, और संगन गौड़ा के पुत्र आप है सरकार। पिछले साल मैं आया था, माँ थी आप, माता पार्वती परमेश्वर के। चुप हो जा। अरे बाप रे, क्या हुआ रे? अरे बाप रे, कोई नमस्ते जी, नमस्ते। अरे पागल क्यों आया तू, और ये कौन है तेरे साथ? ये मेरा दोस्त है, रस्सी ज्यादा थी ना तो साथ लेकर आ गया। तेरी तो चुप कर रहा हूँ। गौड़ा जी ने 4 बोरी गेहूं दिया, आप ज्यादा। नायक जी 4 तोला सोना। घर में कोई मर गया है क्या? क्या है रे शरीफ? मुझे लग रहा है कोई मर गया है। क्या रे? नहीं आप ऐसे बैठे हैं और ये बैठकर रो रहा है, इसलिए पूछा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, आप उसकी बात मत सुनो पापा, मेरी बात सुनो। ये हमारे घर का चिराग है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला। बिल्कुल सही कहा सरकार। अरे मुझे ये बात पता नहीं थी। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 4 बोरी गेहूं। 4 बोरी रुकना तू, बस कर। चल अभी यहाँ से निकलते हैं। अरे कल आ जाएंगे। नहीं जाओ। अरे कैसा आदमी है ये? क्या करूं, आदत से मजबूर जो। गौड़ा जी, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? आनी चाहिए। हाँ, तुंगा से मैंने। ए, तुंगा। हाँ पापा। शरीफ के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। हाँ, लाती सरकार हूं। वो जयन के राजन ने कहा था कि ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया, बिना दिए ही भेज दिया। इसलिए आप सिर्फ 4 बोरी ज्वारी और 4 तोला सोना दे देंगे सरकार, तो मेरी बात बन जाएगी। और एक गाड़ी दे दीजिएगा, क्योंकि इस गांव में आने में बहुत दिक्कत होती है ना। भाई चाहे तो रहने दीजिए, वैसे भी अपनी गाड़ी पुरानी हो गई है ना सरकार, इसलिए वो गाड़ी बेच के मुझे नई गाड़ी दिलवा दीजिए। आप तो बहुत रहम दिल है सरकार। मैं परसों ही जाके उनसे मिला था, पर उन्होंने कुछ दिया ही नहीं सरकार, इसलिए मैं यहाँ वहाँ जाकर फिर यहाँ पे आया हूँ, वो भी आपके भरोसे। सरकार 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 सरकार, तुम्हारा की शादी जल्दी ही करवा दीजिए सरकार, और इसकी शादी में बुलाना मुझे भूलिएगा मत सरकार, और मैं शादी में आऊंगा, मतलब मुझे एक बैलगाड़ी तो चाहिए ही। हाँ मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, मोकैम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा ही। बेलगांव जिला गोकक तालुका के आजू बाजू के गांव के आप गौड़ा हो। ऊपर आओ। ऊपर क्या है सरकार? कुछ होगा जाने दो।
और अब वहाँ एक फैक्ट्री थी ना सरकार, दो फैक्ट्री। हाँ जी बोलिए ना, नमस्ते। बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। हम दोनों की परिस्थिति एक ही है, बाद में चाय पिलानी होगी है, तुझसे ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, और नाश्ता भी करवाना होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ठीक है। सरकार जाते वक्त तो बस का भाड़ा देना ही होगा आपको, ये तेरे लिए भी है बे। इतने दिनों के बाद मेरी याद आई, आज भी क्या जरूरत थी आने की। मैंने कहा था ना भूल जाओ। मैं भी क्या करूं शंकर, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही। सरकार चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, तुंगा को बुला के भीख दे दीजिए ना, मुझे अगले घर भी तो जाना है। भैया थोड़ा और चिल्ला के बोलो। और चिल्लाऊं क्या, और चिल्लाऊं क्या, सुबह से मैं यही कर रहा हूँ, बकवास करता है। और कुछ भी बताना बाकी है मुझे, है? बता दूं क्या? नहीं बता दूं? तुंगा मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। जो भी करना हो करो, पर पहले यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। ये बात अगर तेरे बाप को पता चली तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या तुझे? मुझे और तुझे, हम दोनों को काट डालेंगे। तुंगा भिक्षा दे दे इसको। मैं बुलाऊं क्या? ए तुंगा, तुंगा वहाँ नहीं है सरकार, तुंगा यहाँ है सरकार। अच्छा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ है, उसे रास्ता रास्ता नहीं मिल रहा है। सही कहा, सही कहा ना मैंने? तेरा वो दोस्त कहाँ गया? अरे वो क्या है सरकार, वो बाकी के घर में वसूली करने गया। सही कहा ना नायक जी, आपके गांव में कुछ समस्या है क्या जी? किस लिए? मतलब हम इसे यहीं पे गाड़ देंगे ना, तो कहाँ पे गाड़ना है वो जगह ये अभी से पूछ रहा है। सही कहा ना मैंने? सही कहा। मुझे गाड़ के ही जाऊंगा मैं। सरकार बैठे बैठे थक गया हूँ, दीदी को बुला। रस्सी ले लाओ, रस्सी मजबूत, रस्सी ले लाओ, रस्सी। चिल्ला क्यों रहा है? चल जा यहाँ से। मजबूत रस्सियाँ, वहाँ जाके चिल्ला ना, घूम फिर के यहीं आता और कान से खून निकालता है। हे शरीफ, जा रहा है क्या? मैं बाद में आता हूँ। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे गांव में पधारे। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि भगवान ही धरती पर उतर आए हैं। अरे नबी साहब जी, गांव में पहले से ही स्वामी जी हैं, तो आप इनको क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ये ज्ञानी है, महात्मा। अच्छा, तो ये कौन है? चिनप्पा। पापा। क्या रे? चुप करो, चुप। ये बहुत ही शक्तिशाली स्वामी जी है, महान महात्मा वेंकी स्वामी जी की जय। अरे तो फिर दिखाना इनका पासपोर्ट, वीजा। गांव देखते ही सब लोग टपक पड़ते हैं। अरे चुप हो जा भाई, ऐसा नहीं बोलते। देखिए रवि साहब, आजकल स्वामी जी लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो भेष बदल के आते हैं। चिनप्पा चुप। अरे ऐसा लग रहा था कि शक्ति ही नहीं है, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। मेरे भी पैरों में बहुत दर्द होता है महात्मा। अरे सांसारिक सुख तो शादी के 4-5 साल तक ही रहता है, उसके बाद तो झोला पकड़ के मंदिर जाने का मन करता है। स्वामी जी अब मैं क्या बोलूं, समस्या तो मुझे भी बहुत है, अब यहाँ के मर्दों की इज्जत का सवाल है ना। ये तो ताकत की बात है। देखिए स्वामी जी, इंडियन पिनल कोड के अनुसार 420 ये वही मैटर है। अरे शिष्य देखो स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि इंसान के शरीर की रचना है, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ये सही कह रहा है। हाँ एकदम सही, हमने भी गीता पढ़ी है, समझ में आता है, सब जानता हूँ मैं। चिनप्पा चुप हो जा। देखो तुम पर शनि भगवान की वक्र दृष्टि है, इसीलिए तुम अगले हफ्ते से 11 हफ्तों तक बजरंगबली के मंदिर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। महात्मा बजरंगबली का मंदिर हमारे गांव से बहुत दूर है। क्यों, तुम्हारे गांव में बजरंगबली का मंदिर नहीं है?
देखो बजरंग बली का मंदिर तुम लोगों ने गांव के बाहर रखा है, इसीलिए तुम लोगों को ये सारी तकलीफें हो रही हैं। अरे स्वामी जी, आप तो पूरे गांव में मंदिर ही नहीं है। अरे तो चिंता क्यों कर रहे हो, कल ही एक मंदिर बनवा देते हैं। स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वामी जी की जय। 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 ए, झरने के नीचे खड़ा होके तू तुंगा को याद कर रहा है क्या? वो घर में होगी, हमें वहां पर आकर नहाने दे। अरे मेरे भाई, ये तो सपना देख रहा है, तो देखने दो ना, इसे डिस्टर्ब मत करो भाई। ये क्या कह रहा है, कुछ समझ रहे हो आप? शंकर तुंगा की शादी के बारे में बोल रहा है, तू उस दिन हमारा भी श्राद्ध कर देना। ए शरीफ, हमारे अध्यक्ष को तूने क्या समझ रखा है? ए, वो ऐसा क्यों कर रहा है तू जानता भी है? वो बुलेट का साउंड सुनने के बाद पानी में ही घुल जाएगा, समझ गया? ए, अपने शंकर भैया के लिए तुंगा को उठा के शंकर से शादी करवाना बड़ी बात नहीं है। हाँ सही कहा, अरे मेरे ऊपर भी बहुत कर्जा है, सब एक ही बार में खत्म हो जाएगा। अबे बैठ जाओ, तुम्हारी तो। अरे दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते सिद्धा भैया। हे, अगर वो एक बार बोल देना तो उस लड़की को लाऊंगा और इससे शादी करवा दूंगा। ए शरीफ, हमारे अध्यक्ष को तूने क्या समझ रखा है? और भी लिस्ट दे दो अध्यक्ष को, कौन सी लड़की भागी है, कौन मर गया है, कौन गांव में आने वाला है, सब कुछ बता दो इनको। अरे हाँ यार, गांव में कोई बैंकी भयंकर स्वामी जी आए हैं। है? कौन है? बहुत पहुंचे हुए महात्मा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। ए, चलो बस हुआ, ये बात खत्म नहीं होने वाली, काम करते हैं अभी, चलो। ए थोड़ी देर और नहाते हैं ना, रुक जा। ए अरे चल यार शरीफ। अरे क्या आदमी है यार, तो नाके चला गया, मेरी बारी आई तो भाग रहा है, चल आ जा। अरे ओए चल ना रे, चल। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे अन्नदाता हो, मुझ पर हमेशा कृपा बना के रखना, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। सिद्धा गाड़ी कैसी है? हाँ, बाजार से 400 रुपए में लेकर आया हूँ, अच्छी तो दिखेगी ही, लेकिन अगर थोड़ी सी कमर और दिखाओगी तो और अच्छी लगोगी। हमेशा मुझे छेड़ता ही रहता है। ए सिद्धा, बर्बाद हो जाएगा तू। अरे 2 एकड़ खेत गिरवी रख के ट्रैक्टर लेकर आया, इसका कर्जा कब चुकाएगा? अरे चिल्ला क्यों रही हो, मंदिर जा रहा हूँ, आज शनिवार है, मंदिर जाते समय चिल्लाया मत करो। अरे मैं भी उसी के लिए नारियल और कपूर लाई थी, जवानी में अंधी और लंगड़ी लड़कियाँ भी अच्छी लगती हैं। क्या बात कही माँ, तो तुम्हें भी अपनी जवानी तो याद आती ही होगी। एक बार तू शादी कर ले, फिर पता चलेगा कि पुराना क्या होता है और नया क्या होता है। अरे रे 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 रे, इधर आ बेटा, आ ना, नई नई साड़ी पहनी है ना, आके दिखा तो। सिद्धा फंस गई। अरे वाह, बहुत अच्छे से साड़ी पहनी है, कहाँ से लेकर आई है, किसने दिलाई तुझे ये साड़ी? माँ लड़की है, किसी न किसी ने दिया ही होगा, सारी जानकारी तुझे चाहिए क्या? हाँ, तुझे सब पता है ना, ये भी पता होगा कि इसे साड़ी किसने दिलाई किसने नहीं। मैं यही सोच रही थी मेरे बेटे के पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। हाँ साड़ी लेनी है, गजरा लेना है, सब समझती हूँ मैं, लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ मैं तुझे कितनी साड़ी लेकर आता है उसके लिए। शहद को चखने के लिए ये सब कर रहा हूँ, और ये देख, तेरी माँ कह रही है शादी करवाएगी, अब तो ये शादी करवा कर ही रहेगी, इनसे पूछना शादी कब करवाएगी। क्यों, बड़ों को बुलाकर नाम नहीं रखना है, आगे बढ़ रही है बंदरिया बंदरिया। तो प्यार से जो भी करेगा मुझे मंजूर है। लगता है शहद चखने का समय आ गया है। इसी हंसी के पीछे दीवाना होकर 2 महीने से ट्रैक्टर का किश्त नहीं भरा है मैंने। अरे भीमा। हाँ? तेरे साथ रहकर मेरा बेटा बिल्कुल बिगड़ गया है। ओ काकी, इसकी संगत की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ और तू मुझे दोष दे रही है। लगा लगा, पूरे बदन में पाउडर लगा ले, तुम लोग हनुमान मंदिर चले जाओ या किसी और भगवान के मंदिर, तुम्हारा भला नहीं होगा, जाओ जाओ। चाहे तुम लोग कितने भी शनिवार कर लो, हनुमान भगवान जी तो मालसियों को कभी दर्शन नहीं देंगे। ए शंकर, तेरी माँ फिर से शुरू हो गई रे,
ये कौन है कौन है ऐसा मत कहलवाओ, ये हमारा है ऐसा कहलवाओ। हे देवाधि देव महादेव, इसे आप अपना ही बेटा समझना। जय हनुमान। शरीफ। हाँ बाबा। बाहर जा रहे हो क्या? हाँ। आज शनिवार है। हाँ। जाकर हनुमान जी पर फूल चढ़ाकर आना बेटा। ठीक है बाबा। हाँ, भूलना नहीं, समझ गए? हाँ बाबा। जय हनुमान। क्या हुआ, सारे एक साथ आए हो? आखिर बात क्या है बताओ। रुको अभी बता जाओ। बैठ जा। हाँ तो नबी साहब आप बोलो। अरे सुनो, रातों रात सजावट करने के बाद अभी हम ये नहीं करेंगे तो गलत होगा। जतरा को अगर अच्छे से चलाना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग आपस में ही फैसला करोगे तो हम क्या करेंगे? हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे इनको समझाओ, अच्छे से समझाओ। ए पुजारी, तुम ज्यादा मत उड़ो, हम सब समझ रहे हैं। शरीफ तुम चुप बैठ जाओ। चंद्रगौड़ा इसमें तुम्हारी भी गलती है। पिछली बार जब राजप्पा आए थे तो अगले साल की यात्रा ये लोग करेंगे ऐसा बोला था ना? सही कहा स्वामी। अरे बातों बातों में उन्होंने बोला होगा, वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें तुम्हारा क्या हक है जो बीच में बोल रहे हो? मंदिर भी तुम्हारा, ये परिसर भी तुम्हारा, अंदर जो हनुमान जी हैं वो भी तुम्हारे। लेकिन भक्त तो हम है ना। क्या चिल्ला रहा है, भग 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 कर रहा है। अरे चुप हो जाओ। कुछ बोलने ही नहीं देखो। पिछली कई पीढ़ियों से दोनों गांव वाले मिलकर ये यात्रा करते आ रहे हैं ना, तो आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसा है तो हमें चंदा दिलवाओ, हम करेंगे यात्रा। सुन लो, हम लोग कोई चंदा वंदा नहीं देंगे, वो तुम लोग दोगे, हम खाली यात्रा करेंगे। हाँ। कौन है रे वो, मुझे उंगली दिखा के बात कर रहा है? गौरा जी, तुंगा का लवर शंकरा है। देखो स्वामी जी, इस साल हनुमान जी के यात्रा के लिए हमने कितनी तैयारी की है ये आपको पता है। इतने साल हमने चंदा दिया और इन्होंने जत्रा किया, इस साल ये चंदा देंगे और हम जत्रा करेंगे। हाँ। इसके लिए गावड़ा जी को मनाना पड़ेगा। ए पुजारी, गावड़ा जी तुम्हारे गांव के हैं, हमारे नहीं। अरे भाई थक गया हूँ मैं तुम लोगों की वजह से। अरे बैठो। हे गावड़ा, अब तक हमने तुम्हारी सुनी है, लेकिन अब हम नहीं सुनेंगे, अब हमारे हाथ बोलेंगे। संतरा, जरगड्डी वालों को चंदा देने की जरूरत नहीं है, यात्रा हम ही करेंगे। और एक बात याद रखना, परिणाम स्वरूप एक बलि होकर ही रहेगी। अरे जा 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 यहाँ से। ए क्या रे, वो बोल रहा था कि बलि देगा वो, है ये क्या बात हुई? अरे हाँ यार। ए
पागल, तेरे पास सचमुच दिमाग नहीं है। उसने बोला कि वो शंकर की बलि लेगा। हे शरीफ, तू उसकी बातों से डर रहा है क्या? बैठे बैठे खाने वालों में इतनी चर्बी है तो हम जमीन पर मेहनत करने वालों के शरीर में कितनी चर्बी होगी। अरे वैसी बात नहीं है भाई, अगर हम उसके खिलाफ गए तो वो शंकर और तुंगा को दूर कर देगा। हे शरीफ, शंकर खाली हाँ बोल दे, फिर उसी लड़की से इसकी शादी करवाएंगे। अरे समझ गया भैया, मेरी बात सुनो, अगर ऐसा किया तो शंकर तुंगा के प्यार के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। कौन है रे वो, किसके साथ घूम रही है तू? हाँ, मेरे बच्चे के होने वाले बाप के साथ। बीज निकाल के फल काटने वाला मेरे होते हुए मेरे सामने ही कोई और पापा बनेगा बोल रही है तू? हाँ, तू जो मुझे पाने के इतने सपने देख रहा है ना, ये सपने देखना तू बंद कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मुझे अपनी मर्दानगी मत दिखा। तुझसे शादी करना चाहता हूँ इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, समझ गई? चंद्रगौड़ा भाई, खेत में गौड़ा जी बुला रहे हैं। दरगादी गांव के रहवासियों, आज के दिन हमारे गांव का भाग्योदय होने वाला है। बैंकी स्वामी जी आज यहां आने वाले हैं और हमारे गांव में हनुमान जी के आने के उपलक्ष्य में एक त्योहार मनाया जाएगा। इसीलिए सभी लोग नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर और औरतें अच्छे से साड़ी पहनकर मांग में सिंदूर लगाकर बाल में गजरा लगाकर श्रद्धा भाव से आए। बच्चों को मत भूलिएगा, उन्हें भी लेकर आइए, जल्दी करिए वरना देरी हो जाएगी। सभी भगवान, अरे इस गाँव के लोग कितना चिल्लाते हैं बाबा। खाली अध्यक्ष से मिलकर आया है तो आकर यहाँ चिल्लाने लगा सबके सामने। मैं तो थक गई हूँ, रात में मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अरे नीला, अरे तेरी सफाई नहीं हुई अभी तक? हाँ हो गई है। कहाँ है आपका वो ट्रैक्टर का मालिक? कहाँ गया ये? अरे वहाँ देख जरा। हाँ? कपड़े उतार कर उधर ट्रैक्टर पे ही जाकर सो गया। एक बाल्टी पानी ले और डाल दे, उठ जाएगा। गाँव भर में क्या चल रहा है इसे कुछ पता ही नहीं है, बस सोता ही रहता है सारा दिन। जा उठा। हाँ ठीक है। अरे दे दे दे, किसने पानी डाला मुझ पर? अरे पागल तू है क्या? क्या हुआ, पानी क्यों डाली? तो नहाया नहीं है ना, इसीलिए। अरे अगर बुलाती तो मैं बाथरूम में ही आ जाता, वहाँ पर तो अच्छे से पीठ घिस सकती थी, यहाँ क्यों तकलीफ की? ओ तेरी पीठ भी घिसनी है? चाची आपका बेटा कह रहा है कि पीठ घिस दे। घिस दे घिस दे, और ऐसा घिसना कि उसकी चमड़ी छिल जाए। अरे रे रे रे, ये तो शर्मा गई, लगता है जल्दी शहद चखने को मिलेगा। बस एक बार मिल जाए। अरे भूकंप आ जाएगा, आग की बारिश होगी, उठ जा बाहर आ, तेरी वजह से सर झुकाने का समय आ रहा है, बाहर आ जा। ए रेप्पा। अरे क्या हुआ इसे, ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? अरे तो चुप कर, इसमें ना हनुमान जी आए हैं। तुंगा थोड़ा पानी ले गया। हे ईश्वर, अब तक हमारे गांव वालों ने आपकी अच्छी तरह देखभाल की है, अब हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिन मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, अब अपनी बात पूरी करने का समय आ गया है, पीछे नहीं हटना रे अप्पा। जो चाहिए भगवान से मांग लो। रोज सुबह जल्दी उठकर तेरे शरीर को अच्छी तरह से घिस घिस कर पानी डालता था मैं, हे भगवान। तुझ पर चुन चुन कर मैं फूल चढ़ाता था, हे भगवान। तो फिर हमें तू छोड़कर क्यों चला गया, हे हनुमान? हे पुजारी उठ जा। अरे गौड़ा जी, नाटक करता है। नहीं जी। हे रोना बंद कर, मेरे गुस्से को माथे पर मत चढ़ा, यहाँ पर कोई मर गया है क्या? नहीं। तो क्या हुआ पुजारी? सुबह ठंडे पानी से नहाकर और फिर पूरी श्रद्धा के साथ नारियल और कपूर लेकर मैं मंदिर जा रहा था। ए पुजारी आगे क्या हुआ ये बोल।
कावड़ा जी मंदिर में जाकर देखा तो मंदिर के अंदर हनुमान जी नहीं थे। मामा जी ये उस सिद्धा और शंकर का काम है। हाँ कावड़ा जी मुझे भी उन्हीं के ऊपर शक है। आज उनका सर काट डालूंगा। चंद्र गौड़ा ये दो गांव की इज्जत का सवाल है, फालतू में किसी को पर शक मत करो। पहले दोनों गांव वाले स्वामी जी के पास चलते हैं और उनको ये घटना बताते हैं, वो क्या कहेंगे वो सुनते हैं। मैंने ठीक कहा ना मास्टर जी? हाँ बिल्कुल सही करें गौड़ा जी। स्वामी जी सच आपके आंखों के सामने है, आपको जो फैसला लेना है लीजिए। स्वामी जी ये सब इनका ही काम है, हनुमान जी को इन लोगों ने ही चुराया है। हे चंद्र गौड़ा है, चंद्रमा का बेटा हूँ मैं, ऐसा कर दूंगा कि तू चल नहीं पाएगा। भला हम क्यों चुराएंगे? अरे गौड़ा जी उनके ऊपर कौन सा आरोप लगा रहे हो आप? ये भयंकर स्वामी जी का आशीर्वाद है। भयंकर भयंकी स्वामी जी की, भयंकर भयंकी स्वामी जी की। अरे चिरप्पा चुप हो जा। अरे स्वामी जी समाज में फूट पड़े आप ऐसा काम बिल्कुल मत करो। अरे आज के जमाने में फूट डालने वाले कोई भी स्वामी को नहीं अपनाते हैं, वो उनसे हमेशा दूर रहते हैं। और रातों रात ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर आ गई, इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ दुष्ट लोग दोनों गांव के बीच झगड़ा करवाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, साफ पता चल रहा है। अरे नहीं स्वामी जी ये भेंकी स्वामी जी का जादू है। चिरप्पा तो चुप हो जा, ज्यादा शाणा मत बन। आपको समझ में नहीं आएगा। संतरा मैंने कहा ना इन सब का कारण यही है। संतरा इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एए! एए! अरे चुप, तुमने कुछ नहीं किया ना तो चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। देखो राजप्पा गौड़ा जी बहुत दूर से आके मांग रहे हैं कि मूर्ति उन्हें दे दो, तो क्या कहते हो हम उन्हें मूर्ति दे देते हैं? अगर आपने मूर्ति दे दी तो मंदिर गांव में कैसे बनेगा स्वामी? तुम्हारे गांव में हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, उसके लिए राजप्पा जी मदद करेंगे। क्यों गौड़ा जी बोलिए। स्वामी जी जो आप कहेंगे वही होगा। देखो पिछले जमाने के लोगों ने यहाँ गांव में भूत प्रेत पिशाचों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उस मूर्ति को लाकर वहाँ पर मंदिर बनवाया था। अब तक हम उस मंदिर में जैसे पूजा करते हुए आए हैं, अब आगे भी वैसे ही पूजा करते रहेंगे। स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मूर्ति किसकी है इसका फैसला होना चाहिए। खुद चुरा करके मूर्ति हमारी है ऐसा बोल रहे हो? मूर्ति हमारी है। अरे चुप हो जाओ, चुप। ए सिद्धा तू पहले यहाँ से जा, मैंने कहा जा निकल जा, चल जा। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, जा बोलो ना, जा चल जा। हमारे सामने गांव के बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हो ना? हम तो सुन लेंगे स्वामी जी, ये लड़के भी तो सुनने चाहिए। अरे उन्हें मैं समझाऊंगा। मतलब एक काम करो जी, अब इस मूर्ति को राजप्पा गौड़ा जी को दे दो। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भेंकी स्वामी जी गलत बोल रहे हैं, बताइए शिष्य। चलिए गुरुजी हम चलते हैं, इससे ज्यादा अपमान हम नहीं सह सकते, अगले गांव में जाकर अपनी पावर दिखाएंगे। ये मुझे सोने और चांदी का कैसा? उन्हें जाने दो, जाने दो। वैसे भी आप यहाँ आए हैं, मूर्ति को अपने गांव लेकर जाइए। स्वामी जी अभी बहुत कड़ी धूप है, शाम को आकर के ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। हे शरीफ जब तू वज्र गड्डी गया था रस्सी बेचने, उस समय तूने कोई मंत्र वाला नींबू तो नहीं दिया ना? हाँ वही तो बोल रहा था मैं, चंद्रा ने इतना कुछ बोला लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, संतरा से डरकर हम सारे ऐसे ही आ गए। संतरा ने नहीं रोका होता तो आज उसे देख लेते। क्या ये उस चंद्रा गौड़ा ने तुम्हारी मर्दानगी पे सवाल उठाया और तुम लोग चुप छाप आ गए? तो और क्या करे चिनप्पा, अपने गांव के बजरंग बली को उन्हें सौंप देंगे तो हमें कोई मर्द बोलेगा क्या? चिरप्पा रात को पी हुई उतरी नहीं क्या है? पिए तो क्या हुआ, मर्दानगी की बात समझता हूँ मैं भी। ए चिनप्पा जो भी कहना है सीधा सीधा कह। ए शंकर सिद्धा शरीफ हम अपने गांव की चीज नहीं बचा पाए तो तुम्हारा क्या फायदा? सिद्धा भैया उसने हमारे मर्दानगी की बात की है, हमें उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिद्धा भैया शंकर का भी कहना सही है,
ये नहीं हो सकता। उसके लिए लोगों का साथ चाहिए। लोगों का साथ चाहिए? लोगों का? लोगों को कैसे जमा करना है मुझे बता रहे हो? लोगों को ऐसा जमा करूंगा कि पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में होगी, याद रखना। चलो मेरे साथ अभी। ए चिनप्पा, तेरी बीवी तेरा साथ देने को तैयार नहीं होगी? बड़ाया लोगों को जमा करने वाला। अरे बेटा शरीफ, रस्सी कोयता फावड़ा बेचने वाला है तू? तू मुझे बताएगा कि लोगों को कैसे जमा करना है? लोगों को जमा करने आता है, मैं तुझे दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे जमा किया जाता है। चुटकियों में जमा करूंगा, बस तू चल मेरे साथ। ये है? अब बैठे क्यों हो? चलो। ये आपने हनुमान जी की मूर्ति वापस देने के लिए कहा, ये हमें सही नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? स्वामी जी, वो मूर्ति वापस नहीं देते हैं। अरे यहाँ रखकर क्या करोगे? हम हनुमान जी को ले जाके खेत में काम करवाएंगे, ट्रैक्टर चलवाएंगे। अरे कभी तो अच्छी बात किया करो। ठीक है स्वामी जी, मैं अच्छी बात करूँगा। आज सुबह ही हम मूर्ति उन्हें दे देंगे ऐसा कहा था, अब अगर नहीं देंगे तो वो राजप्पा चुप बैठेगा क्या? स्वामी जी, मंदिर भी हमारा है और भगवान भी। जगह भी हमारी है। तो हम लोग कब तक चुप बैठेंगे? वो लोग अच्छे नहीं है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। स्वामी जी, लड़ाई वड़ाई नहीं, ये हमारे गांव की इज्जत की बात है। सांप के बिल में हाथ डालोगे तो काटेगा ही ना। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद हम पर रहे बस इतना काफी है, बाकी समस्या कोई भी आए हम लोग निपटा लेंगे। देखो, सुबह जब वो लोग यहाँ आए थे तो मैंने उनकी तरफदारी क्यों की थी पता है? क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं है, उनसे उलझना ठीक नहीं। स्वामी जी, कुछ भी हो जाए हम वचन देते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे, आप बस आशीर्वाद दीजिए। आप सिर्फ हाँ बोलो मामा जी, आज रात को उस जलगड़ी में घुसकर पूरे गांव को जलाकर आ जाऊंगा। ए गौड़ा जी को क्या पूछ रहा रे चंद्र गौड़ा? हमारे गौड़ा जी की इज्जत चली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। उस गांव को आग से जलाना ही नहीं है, वहाँ की रात को लाकर गौड़ा जी के सर पर लगाना है। ए पुजारी, तुम चुप करो, जलती हुई आग में घी डाल रहे हो तुम। तो और क्या करे? गौड़ा जी, आप वहाँ पर क्यों गए थे? मुझे एक बार आप बोल देते, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति मैं आपके लिए बनवा देता। हे एमएलए जी, यहाँ पे कोई आपको पुरानी कथा बताने के लिए नहीं बुलाया है। चंद्रगौड़ा जी, आप शांत हो जाइए। राजप्पा जी, अगर किसी ने हम पर हाथ उठा दिया तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा, कीमत भी नहीं मिलेगी। अरे एमएलए जी, फालतू की बातें बंद करो और आप यहाँ क्यों आए हो वो पहले बताओ। अरे चंद्रगौड़ा जी, इनकी ये हालत हो गई ये जानने के बाद, क्या मैं घर में बैठ सकता था? अब मिल लिया ना, अब जाओ यहाँ से। अरे राजप्पा जी, एक तरफ आप लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं, ऊपर से इलेक्शन सर पर है, इस वक्त अगर हम गांव वालों से लड़ने चले गए ना तो चुनाव हार जाएंगे। एमएलए साहब के आने का ये मैटर है। ए पुजारी, तुम चुप करो। एमएलए, तुझे गौड़ा जी जरूरी है या फिर वोट? गौड़ा जी इम्पोर्टेंट है, और कौन होगा? गौड़ा जी सर्वे सर्वा है। चंद्रा गौड़ा जी, उस गांव में वोट बहुत ज्यादा हैं। हे चंद्र गौड़ा, इसको बाहर भेज। देखिए आप गुस्सा मत करिए, मैं क्या कर सकता हूँ आप मुझसे वो कहिए। मुझे वही मूर्ति चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं वही मूर्ति लाकर दूंगा, आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर आज आग बरसने वाली है। चंद्रा गौड़ा जी, इनसे बात करके इन्हें शांत करवाइए, कल इसी समय मैं मूर्ति लेकर यहाँ आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है। चंद्र गौड़ा, उन लड़कों को ऐसा ही नहीं छोड़ूंगा। आप इस बात की चिंता मत करो मामा, एक एक को पकड़कर अगर जमीन के अंदर नहीं गाड़ दिया ना तो तुंगा से शादी करने की मेरी औकात नहीं।
ये लीजिए आप। ठीक है, ध्यान से सुनो, जो बोल रहा हूं वही करना। जरगड्डी के लोग मेरे भाई बहन जैसे ठीक है, ठीक है। मैं कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, समझ गए ना? देखिए वो लड़के आ गए हैं, आप जरा इन्हें ठीक से समझा दीजिए। हाँ, समझा दीजिए। ए, आओ आओ। अरे ये लड़के तो मेरी आंखों के सामने इतने बड़े हुए हैं, अब इन्हें मैं क्या समझाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, गौड़ा जी सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं। वो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें शांत करवाया है। तुम्हारे गांव के बड़े लोगों से भी मैंने यही बात की है। गौड़ा जी ने 5 लाख का चेक भी दिया है। क्यों भाई, दिया है ना? हाँ साहब। अरे जरा इन लोगों को दिखाओ, दिखाओ। दिया है, दिया है, 5 लाख का चेक दिया है। देखो तुम लोग अभी उम्र में छोटे हो, नादानी बिल्कुल मत करो, बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनो। 5 लाख रुपए में हम गांव के बीच में हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। अगर पैसे कम पड़े तो थोड़ा पैसे मैं दे दूंगा, थोड़ा ये दे देंगे, हो जाएगा काम हमारा। पैसे देगा ऐसा बोल रहा है ये? देखो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है, तुम लोगों के वोट सिर्फ मुझे आने चाहिए, समझ गए ना? एक भी वोट कहीं और नहीं पड़ना चाहिए। अरे शिवा काका, हाँ? इनका चेक रखने की क्या जरूरत है, वापस देके भेज दो ना इनको। ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब जी, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि और 5 लाख का चेक देंगे ये। हाँ बिल्कुल दूंगा। हम लोगों को पैसे कम पड़ रहे हैं तो बोलो, अमेरिका को बुला के हनुमान जी को ही भेज देते हैं, 10-12 हजार ज्यादा ही मिल जाएंगे। और नहीं तो क्या, दाढ़ी मूछ सफेद हो गई है आपकी, हम यहाँ हनुमान जी को बेचने आए हैं क्या? अरे सिद्धा तो इन पर गुस्सा क्यों कर रहा है तू? क्या चाहता, हनुमान जी की चोरी हो गई है और अब इस मामले में हम पुलिस बुलाएं? हाँ ए, जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वैसा ही करो, समझ गए ना? तो तुम क्या कर लोगे बे बेईमान घुसखोर? ओ बनगा, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता क्या तू है? अरे ये जनप्रतिनिधि है, राजनीति वाले। अरे अपनी भाषा देखो, जो मुंह में आता भग देते हो। अब कोई बोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब सब लोग चुपचाप सुनोगे। ये साहब अच्छे हैं, हमारे गांव के भगवान हैं आप साहब, इनको ये समझ भी नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, आप सब मुंह बंद रखेंगे। मैं समझाता हूँ साहब को, साहब आप जो कहो वही। अरे नहीं, हमारे लड़के हैं ये, मैं समझा दूंगा इनको। अरे हमारे गांव के लड़के समझ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, शांति से काम लेना चाहिए। अरे समझ जाएंगे। ए, क्या देख रहा है? गौड़ा जी, सारे गांव वाले आपके नाम से थर थर कांपते थे, लेकिन अभी क्या से क्या हो गया? अब पता चला क्या एमएलए, कि हमने कैसे और कितना अपमान सहा है। एमएलए जी, अगर आप आज भी चुप बैठ गए ना, तो याद रखिए आपको ना मर्द समझेंगे वो जरगड़ी के कमीने। लेकिन लेकिन इलेक्शन सिर पर आ चुका है। ये तो मार खाई हुई भैंस जैसी हो गई, जो कीचड़ में घुसने के बाद फिर बाहर निकलकर बोलती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और रोड के बगल की घास वापस खाने लगती है। पैसी हालत हो गई है तुम्हारी, उनसे इतनी मार खाई आपने, फिर भी आपको उन पर दया आ रही है। ए पुजारी तू चुप कर, पावर मायने रखता है पावर, तू देखता जा चरगड्डी के लोगों का अब क्या होगा, देखता जा, देखना तू क्या करूंगा मैं। ए शंकर, वहां नहीं जाते यार, वो गुस्सा है हम पर। ए, वो क्यों हम पर गुस्सा होंगे यार, मूर्ति की प्रतिस्थापना हमने की है, सब कुछ भूल गए होंगे। अरे ओ चंद्रा गौड़ा भूलने वाला आदमी नहीं है, अगर तू तुंगा को देखने के लिए गया ना तो तुझे जान से मार देगा। अबे उस चंद्रगौड़ा से इतना क्यों डरता है बे तू? क्या चंद्रगौड़ा से डरता हूँ, चंद्रगौड़ा से डरता हूँ, पागल हो गया है तू? मैं अकेला भी उसको संभाल सकता हूँ। बड़ा आया बात कर रहा है, चंद्रगौड़ा से डरता है, चंद्रगौड़ा से डरता है, है? शंकर शंकर, तुंगा को तू 4 दिन के लिए भूल जाना यार। ए, अपना हाथ हटा, बोला ना हाथ हटा। तेरा क्या है, घर के सामने ही तो है, सुबह नहीं तो रात को देखता ही है ना तू। लेकिन मैं, ए अब मेरी बात तू छोड़, अगर हम वहां पर गए और उनके चंगुल में फंस गए ना तो मेरे को शायद वो छोड़ भी दे, लेकिन तेरी अर्थी जरूर निकलेगी। ए, वो क्या करेंगे ये मैं भी देखता हूँ, तू चल। नहीं यार चलना, ए मेरी बात सुन, पागल प्यार किया तो डरना क्या, चल।
तरफ आओ, इधर 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 आओ। क्या हुआ? ए शंकर, वो लोग हमें घूर कर देख रहे थे यार। ए, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार जाकर देख के तो आते हैं ना। देख शंकर, वो लोग हमें बहुत मारेंगे यार। अरे कोई नहीं मारेगा, तू चलना। नहीं यार, मेरी बात सुन शंकर। ए, चलते हैं यहाँ से यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ए, तेरे को बोला ना, जब आ गए हैं तो एक बार देख तो लेते हैं, शांति रखिए। ए, वो बाहर नहीं आ रही है और तू सुन नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं। क्या? एक काम करना, जैसे वो आएगी तू उसको देख के साइकिल पर बैठ जाना। अच्छा चल ठीक है ठीक है। हाँ, रस्सी ले लो, बड़ी रस्सी छोटी रस्सी। नहीं आ रही है वो, चल अब यहाँ से चलते हैं। और एक बार नहीं आ रही, एक बार जोर से चिल्लाना। तू चिल्लाओ ना, चिल्ला, रस्सी ले लो, बड़ी रस्सी छोटी रस्सी ले लो। शंकर शरीफ, भागो यहाँ से, जाओ। भाग यहाँ से, भाग, चल यहाँ से शंकर, चल। पागल हो गया है क्या? जल्दी चल, जाओ। मारे क्या हुआ शरीफ? शांता दीदी, शांता दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ठीक है तो फिर ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? वो रस्सी बेचकर जा रहा था मैं, तो गौड़ा के आदमी मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए भागकर यहाँ आ गया। ओ अच्छा। तुम्हारी माँ ने गोद भराई का सामान मांगा था ना, याद है ना? गोद भराई का सामान? मैंने तो उसे परसों ही दिया था। खैर आप भूल गई होंगी, जाने दीजिए, मैं तो इस तरफ रोज आता हूँ, समझ गई? जब मन हो दे देना, चलता हूँ। ये सब अभी नहीं, शादी होने के बाद, पहले काम ढूंढो। ठीक है। बहुत बढ़िया तुंगा, तुम्हारे घर वाले हमें मारने को तैयार हैं, यहीं पर हमें गार्ड भी देंगे, और तुम्हें रोमांस की पड़ी हुई है। ए अब चल यहाँ से, चल यार। ए चल यहाँ से शंकर, चल। अरे रुकना, अरे मेरी ये वो रुक। अरे चल पागल कहीं का। मिला क्या वो? नहीं मिला भाई। शरीफ मजा आया ना? ए शंकर आज हम बाल बाल बच गए, कसम से कह रहा हूँ तेरे चक्कर में ना मैं किसी दिन मरूंगा यार, सच कह रहा हूँ। कुछ भी हो लेकिन तूने मुझे उससे मिलाया, अब अपना मुंह धो ले। ए शंकर और शरीफ, अरे शरीफ भाग यहाँ से। क्या हुआ? अबे ओ ए, रुक मैं भी आता हूँ, रुक जा। अरे मैं भीमा हूँ भीमा, रुक जाओ। ए शंकर, ए शंकर रुक जा, शेर शंकर रुक। ये तो अपने भीमा यार। ए, वहां से चिल्लाते हुए आ रहा, कहां भाग के जा रहे थे? तू क्या पूछ रहा है बे? अगले साल हनुमान जी के यात्रा में रनिंग रेस रखी है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो भी ना। ए भीमा, हम भागे तो भागे पर तू क्यों भागा रे बता? ए गांव में एक भी मर्द नहीं है, सबको पुलिस वाले मार के लेके चले गए, यही बताने के लिए भाग के आया। सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, हनुमान जी की मूर्ति भी लेके गए वो। मैं वहां से कैसे भी अपनी जान बचाकर सिद्धा और आनंद को बता के आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खेत से भागकर वो सीधा पहाड़ पे जाएंगे, हम लोग भी वहीं जाते हैं यार। ए शिवा, क्या जमाना आ गया है, पति पत्नी के झगड़े के केस मैंने देखे हैं, चोर पत्ते खेलने वाले, मटका लगाने वालों को भी थाने में देखा है, लेकिन बजरंग बली ने क्या गलती कर दी कि इन्हें थाने में आना पड़ा भाई। ए गोपाल, बीच बीच में तेरे शरीर में देवेंद्र गोपाल आते हैं ना, उसे उतारने के लिए हनुमान जी आए हैं, अब चुपचाप बैठ जा पागल। शिव शंभू लिंगा। पीएसआई साहब जी, एमएलए साहब ने सब कुछ बता दिया ना? हाँ बताया। उस दरी गड्डी के लड़कों को छोड़ना नहीं है, हर जन्म में उन्हें मेरा नाम याद रहना चाहिए। गौड़ा जी आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, वो लड़के अब आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे, ठीक है? जब समय मिलेगा हमारे गांव में आना, ये आपका पूरा ख्याल रखेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल, एक बार आइएगा सर। हाँ बिल्कुल आऊंगा। फिर से इसका किट-किट शुरू हो गया। पहले पता होता तो तेरे साथ आते ही नहीं भाई। क्या बात है, उस वक्त क्या तुम्हारे मुंह में ताला लगा हुआ था? हे प्लान उल्टा होने के बाद अब क्या बात कर रहा है, चुपचाप बैठ।
उस चंद्रा गौड़ा को हनुमान जी का मैटर बहुत अच्छे समय पे मिला है। पूरे वज्र गड्डी के लोगों को हमारे पीछे छोड़ दिया उसने। हाँ, सिर्फ इंसान ही नहीं भगवान भी हमारे खिलाफ हो गए यार। ए पागल, पहले मेरा दिमाग बहुत खराब है और गुस्सा मत दिला मुझे। वो हनुमान जी पुजारी के शरीर में आकर हमारे खिलाफ गुस्सा हो गए हैं। क्यों क्यों पूछ रहा है? हनुमान जी जेल गए इसका कारण हम ही लोग हैं, ऐसा बोल रहा है। और इतना ही नहीं, वो पुरानी बस्ती का दामुआ हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। उस दामुआ का हमने क्या बिगाड़ा है बे? दामुआ को छोड़ो, वो दुर्गा माँ जो है ना, वो भी हमारे ऊपर बहुत गुस्सा है भाई। ए, इतना सब होने के बाद भी हनुमान जी चुप कैसे बैठ सकते हैं? हनुमान जी को छोड़ो, उस हनुमान जी की वजह से ही एमएलए साहब हमारे ऊपर गुस्सा हो गए हैं। अरे हमने तो सोचा था कि वही हम लोगों का साथ देगा, लेकिन उसने हाथ छोड़ दिया। हनुमान जी और किसके साथ मिले हैं क्या पता? ए बेवकूफ, सोच समझ के बोल तू। ए पागल, रिलेशनशिप यार, इतना भी नहीं समझता। ए इसीलिए बोलता था पेड़ पे कूदने वाले बंदरों पे भरोसा मत करो। चुप कर। वैसे ही मेरा दिमाग आज बहुत ज्यादा खराब है। वो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के रावण की लंका जला दी थी, तो उनके सामने हम क्या हैं? ए ऊपर वाले, मुझे रावण की लंका जैसे मत जलाना। तूने और तेरे साथियों ने मिलकर कितने घर बर्बाद किए हैं? बोल 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 जल्द बोल बोल। अरे बोल बोल साली, ये और इसके गुरुजी ने पूरे गांव में आग लगाई है। अच्छा, कैसे खा के हट्टा कट्टा हो गया? ऐसी बात है? बोलता हूँ नहीं पता। बोल। मैंने तो गुरुजी ने जो बोला वो किया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तुझे? कुछ नहीं पता? ए बताता हूँ, ए इधर आ रे, खींच कर लेके जा इसे। चल। मुझे बहुत बड़ी सर चाहिए तो आप खुद पूछ के देख लीजिए। अच्छा, वो एमएलए की तरफ से ही है। वो एमएलए की तरफ से है? आप पूछ के देख लीजिए ना। ये सच बोल रहा है क्या? हां साहब, वो एमएलए की तरफ से है। ये सब इन लोगों की वजह से ही हुआ है। एमएलए को मनाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ले जाकर मारा तुम लोगों ने। अरे साहब जी, अरे क्यों मुझ बेचारे को मारे साहब जी? मैं बताने जा रहा था कि सिद्धा शंकर शरीफ सबने मिलकर उन्हें मार ही दिया साहब जी। झूठ मत बोल। नहीं साहब जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब जी? वो लोग भाग गए, उनके इंतजार में मैं बदला हो गया साहब जी। मत मारो साहब जी। अच्छा, मैं नहीं मारूं तुझे? अरे साहब, मैं बहुत शरीफ हूँ साहब, क्यों मार रहे हो साहब जी? जो मैं बकबक की जा रहा, चुप हो जा। अरे साहब जी, मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ साहब जी। अच्छा, रात को जो बोलता हूँ मुझे सुबह खुद ही याद नहीं रहता साहब जी। पागल है? रुक जा, तेरा पागलपन दूर करता हूँ। कांस्टेबल साहब जी, इसका पागलपन दूर कर जरा। ये लोग आने वाले हैं, तुम्हें कल बताना चाहिए था ना, बदमाश कहेगा। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल नहीं पा रहा भगवान। hey, यहाँ पर साइन करके जा। क्या करना है? तो भी कर। अरे बाप रे, सुन रहे हैं, शांति मिली क्या? तीन दिन तक गांव छोड़ के बाहर गया था मैं, तुम लोगों ने मेरा ठिकाना बताकर मुझे ही फंसा दिया। शांति मिल गई ना तुम लोगों को? मुझे थोड़े पता था कि वो लोग पकड़ के मारेंगे। ऐसा होगा, मैं जानता था, इसलिए तो मूर्ति प्रतिष्ठा के दिन गांव छोड़ के चला गया। अरे चलना तू। अरे बाप रे, चल अब सीधा यहाँ से गांव चलते हैं। रुक यार, हनुमान जी को प्रणाम करके चलते हैं। क्या नमस्कार करेगा? नमस्कार करेगा तो तेरा दर्द कम हो जाएगा क्या रे? चल यहाँ से। हे ये, रास्ता उधर है। उधर किधर? चल निकल, जा जा जल्दी जा। किधर? अरे उस तरफ। हम रास्ता भूल गए क्या रे? चल यहाँ से सीधा अड्डे पे चलते हैं, 90 पियेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बाप रे। ओ
अरे सुबह हो गई यार, उठ जाओ अब, कितना और सोओगे? ए उठो ना यार, क्या कर रहे हो? उठो उठो, अबे उठ, ए तू भी उठ, ए सिद्धा भाई उसे मारकर उठाओ यार, कितना सो रहा है, उठ, ए अपने बाजू वाले को भी उठा, घोड़ा बिच के सो रहा है वो, उठ रहा है, उठना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पागल की तरह क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे वो नाश्ता लाने गया है, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा यार। वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत है हमारा गांव। सिद्धा भाई, गांव भी अच्छा है, गांव में आई हुई पुलिस भी अच्छी है। अबे चुप क्या है यार? ये सोचो कि आनंद अभी तक आया क्यों नहीं। शरीफ, क्या है यार इसका, अलग ही दुनिया में है ये, कहाँ छुप के बैठे हैं ये लोग? आनंद कहीं पुलिस के हाथ तो नहीं लग गया भाई? अरे ये कैसी बात करता है शरीफ, वो देख चिन्नी आई है यार। ऐसा लगता है कि उसे लड्डू चाहिए, उसी लिए आई होगी। अच्छा शरीफ, चिन्नी यहाँ पर आई है मतलब कहीं आनंद पुलिस के हाथ नहीं लग गया? तू चुप कर, वो मेरे लिए आई है यहाँ पर, तुम्हारे लिए नहीं आई, सिर्फ मुझसे मिलने आई है। अरे मेरा हीरो, ए देखा मुझे बुला रही है वो। ए पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर, देखो यहाँ यहाँ मैं यहाँ पर। चल चल सब चल 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 निकल यहाँ से, चल हमने कुछ नहीं किया सब, चलो लेकर चलो सबको, चल चल साहब हमने कुछ किया ही नहीं। अरे साहब हमको क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? हमने कुछ नहीं किया साहब, पीछे मत मोड़, चल चल रे चल। चल चल चल, ज्यादा ढीला मत बन, चाहे आ जा चुपचाप, चल चल। ए तुम में से शंकर कौन है? सर मैं हूँ शंकर। नहीं सर, तुमसे चाहिए तुझे? सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम में से शरीफ कौन है? सर ये है शरीफ। अच्छा तू है? सर मैं हूँ। तू रस्सी बेचने जाता है, तुम और शंकर को मिलाने जाता है? नहीं सर मैंने कुछ किया नहीं सर, बस छोड़ दो मुझे। ए चुप हो जा, तुम में से अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? तू है ना, लीडरगिरी करता है ना? क्या बे, ट्रैक्टर तो गांव में तू बहुत अच्छे से चलाता है, तू ऐसे नहीं सुधरोगे बेटा। ओ शिष्य, कहाँ है तेरा गुरु? नालायक शिष्य, अभी बताता हूँ सबको। सब लोग ध्यान से सुन लो, हनुमान जी को कैसे चुरा कर आए? हनुमान जी की मूर्ति को कैसे चुराया? बोलो कैसे चुराया था? बोलो, बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, मारो मैं बताता हूँ। उस रात को हम लोग मिलकर गए थे, रुपए कमाता था वो, अरे अंदर डाल दिया उसे, मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी अब? रोज 1000 रुपए लेकर आता था वो, अब क्या? ए, रुक, कौन है तू? मेरा बेटा सिद्धा है अंदर, मुझे उससे बात करनी है इसलिए अंदर जा रही हूँ। जा जा जा, जल्दी से बात कर ले जा। हाँ तो हटो ना। ए, बेटा सिद्धा, तू है तेरी इस जिंदगी पे, तेरे लिए खेत को गिरवी रख के तुझे ट्रैक्टर दिलवाया मैंने, और तूने क्या किया उसका? अब बता वो कर्जा कौन चुकाएगा? बचपन से ही तू जो नीली के साथ खेलता था ना, तभी तुझे रोकना चाहिए था मुझे, पर मेरी किस्मत खराब थी जो मैं तब कुछ समझ नहीं पाई। अब तू बता स्टेशन में खाना पीना सब कैसे मिलेगा तुझे? ठीक है भूखा ही रहे, तुम लोगों को तो ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए, भगवान ने बिल्कुल सही किया, 4 दिन तक और अंदर ही रहना चाहिए तुम लोगों को। साहब इनको छोड़ना मत, मैं बोल रही हूँ।
आइए नबी साहब जी। नमस्ते सर, शरीफ से मिलना था जी। अभी नहीं मिल सकते, साहब नहीं है। सर थोड़ी देर के लिए। मुकुंद। हाँ सर। इन्हें शरीफ से मिला दो। नबी साहब यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ पर। यहाँ यहाँ। हाँ यहाँ। अब आप जाइए। घोड़ा जी उनकी बहुत अच्छे से धुलाई की है। वो लड़के मर जाएंगे लेकिन अब आपके काम में कभी टांग नहीं अड़ाएंगे। ए शरीफ, तेरे बाबा हैं। ए, बच्चों को माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन जो उनका नाम खराब करता है उसे नालायक कहते हैं, नालायक। बाबा, बाबा मत बोल मुझे, बाबा बोलने का हक खो दिया तूने। तेरी माँ तुझे पैदा करके मर गई, लेकिन फिर भी मैंने दूसरी शादी नहीं की। तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरा सब कुछ है, यही सोचकर तुझे बड़ा किया मैंने। गौड़ा जी ने मुझे बहुत इज्जत दिया। आइए साहब बैठिए, ऐसा बोला उन्होंने। बाबा लेकिन मैं छोटी जाति का हूँ, रस्सी बेचकर जीता हूँ, फिर भी सब मेरी इज्जत करते हैं, सब मेरी इज्जत करते हैं। गौड़ा जी जानते हैं कि मैं देवाधिदेव महादेव को भी मानता हूँ और अल्लाह को भी मानता हूँ, इसीलिए इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं मुझे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कैसा बेटा आपने पैदा कर दिया साहब जी। बाबा ए, तुझे नहीं पता इन पुलिस वालों ने कल मुझे बहुत मारा। चल दिखाता हूँ तुझे, ये देख देख कितना मारा। नहीं बाबा। देख देख देख। बाबा। चुप हो जा, रो मत रो मत। ये ले, इसे ले और अपने गले में बांध कर लटक जा। नहीं बाबा। तेरे जाने के बाद मैं भी किसी नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ऐसे मत बोलो। क्यों रो रहे हो बाबा? अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, थोड़ा हिम्मत से काम लो। चलो 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 बाबा। बाबा बाबा। नाचो 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 आओ नाचो। नाचो नाचो नाचो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब कोई नहीं नाचेगा। ओके स्विच ऑफ। ये चिनप्पा, अरे कौन है ये लोग? ये लोग ढोल बजाने वाले, भजन करते हैं ये लोग। क्यों क्या है वो हमें पता है, क्यों लेके आए ये बता। हम यहाँ मुंडन करवाने आए हैं, मुंडन करवा कर जाएंगे, मुंडन करवाने आए हैं। चुप हो जाओ, यहाँ आकर तुम लोग नौटंकी बाजी कर रहे हो। हे चिनप्पा, बेटे को माला पहनाकर यहाँ क्यों लेकर आए? मुंडन मुंडन करवाने लाया हूँ। मुंडन कराने? हाँ साहबी, एक बोरी चावल भी देना था, बारिश नहीं हुई, चावल नहीं हुआ तो नहीं दिया। इसे क्या कटिंग शॉप समझ रखा है? क्या कटिंग शॉप? पुलिस स्टेशन है ये, पुलिस स्टेशन। अच्छा क्या, हमारे कुल देवता हनुमान जी को पुलिस स्टेशन में रखोगे तो मैं मुंडन यहीं कराने आऊंगा ना भाई, और कहाँ जाऊंगा बोलो। क्या शोर शराबा चल रहा है? ये चिन्नप्पा क्या बात है, ये सब क्या चल रहा है? ये बेटे का मुंडन करवाने के लिए बैंड बाजा साथ में लेकर आया है। हैं, मुंडन है क्या है चिन्नप्पा? परसों जब मारा वो काफी नहीं था क्या? एक बार फिर अंदर डालूं क्या? अरे साहब जी, हम आपसे डरते थोड़े ही हैं, सब कुछ तैयार करके आए हैं। ए पेपर वाला इधर आ रहे, साहब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या समझा तूने मुझे? पेपर वाले को बुलाएगा तो मैं डर जाऊंगा, ये समझा? लोगों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, ऐसा मुझे अपने पेपर में लिखना पड़ेगा। क्या रे, धमकी दे रहा है मुझे? धमकी नहीं साहब जी, खाली पेपर में ही नहीं,
तीन चार चरण में भी डाल के सवाल उठाएंगे साहब, याद रखिएगा। सर आप बताइए, आपने हनुमान जी को पुलिस स्टेशन में क्यों रख लिया है? है पेपर वाले, पूछ इनसे अंदर क्यों रखा है। हनुमान जी की वजह से किसे तकलीफ हुई है? ऐसा क्या अपराध किया है हनुमान जी ने? हे, हनुमान जी अपराधी है ऐसा हमने कब कहा? हनुमान जी के ऊपर आपने कौन सा केस डाला है? क्या पागलों जैसे सवाल कर रहे हो तुम? वाह पेपर वाला, बढ़िया सवाल पूछा है तूने। अपना PSI स्विच ऑफ हो गया सुन के। हनुमान जी से आपने पूछताछ की है क्या? उन्होंने क्या बताया आपको? अरे अपनी TRP के लिए क्या बकवास सवाल कर रहा है? वाह 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 वाह, हाँ है साहब, हमें पूजा नहीं करने दिया तो उन्हें पूजा क्यों करने दिया आपने, बताइए। ए, वो पुजारी है इसलिए पूजा करने की इजाजत दी है, तुझे क्या तकलीफ है? अच्छे दरगाही के लोगों को पूजा नहीं करने देने के लिए PSI का धिकार है, धिकार है। पक्षपात करने वाले PSI का धिकार है, धिकार है। रुक जाओ, क्या ये धिकार? हे चिनप्पा, तू कुछ भी कर ले लेकिन तुझे परमिशन नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, देने की जरूरत नहीं है, जो करना कर ले जा। विद्रोही पार्टी के PSI का अधिकार है, अधिकार है। विद्रोही पार्टी के PSI का अधिकार है, अधिकार है। के लोगों को पूजा नहीं करने देने के लिए PSI का अधिकार है, अधिकार है। इनकी कौन सुनता है, चलो चलो चलो। मेरी बात सुनो, थोड़ा शांत रहा करो। कैसे शांत हो जाऊं, क्यों शांत हो जाऊं? उनके पुजारी को तुम तो पूजा करने दे रहे हो, हैं? हमारे लोगों को पूजा नहीं करने दे रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा? तो तुम ये चाहते हो कि पूजा को रोक दूं? सिर्फ रोकना नहीं है बल्कि उसको यहाँ से भगा दो, वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है मुकुंद, वहाँ वहाँ जाकर रुको, तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं जाकर साहब जी से बात करके आता हूँ। जाके बात करो, नहीं भी बात करोगे तो कौन सुनेगा? गौरा जी के लिए काम करने वाले PSI का धिक्कार है, धिक्कार है। अरे यार लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सर ये धिक्कार है, धिक्कार क्या लगा रखी, बंद करवाओ इस धिक्कार को। कौन वहां पूजा कर रहा है उससे को पूजा करना बंद करे। ओके सर। सर एक बात बताना चाहता हूं, जब से मेरी नौकरी लगी है तब से लेकर आज तक मैं यही काम कर रहा हूं, यहां कौन कैसा है क्या करता है मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ सर जी, सबको जानता हूं, उस MLA को, महिला संघ वाले को, TV वाले को, पेपर वाले को, वो सब लोग अपने स्वार्थ के लिए साहब जी हमें और आपको एक दिन सस्पेंड करवा देंगे। तो क्या करें, वो MLA जो बोल रहे हैं वैसा करने के वो ऑफिसर्स बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं बता। वो कुछ भी कहे साहब जी, मैं एक बात बताऊं आपको, जो बोलना है बोलो जल्दी। क्यों, मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ। तो पुजारी है ये मुझे पता है, अभी ये पूजा करना रोक दे। क्या पुजारी का अपमान करता है? रुको, गौड़ा जी को बताऊंगा, वो बराबर तेरी क्लास लेंगे। चल, चल। रुको रुको, चल पीछे हट, चल दिखाता हूँ मैं तुझे। अरे चल। थोड़े से बाल गिरेंगे, चाहिए तो मैं साफ कर दूंगा। उस चिनप्पा के बेटे का मुंडन कराने का परमिशन दे दीजिए और फिर गांव वाले यहाँ पूजा कर सके उसका भी परमिशन दे दीजिए। हाँ सर जी, नहीं तो हमारा और आपका बुरा समय आ जाएगा, शांति से सोचिए इसके बारे में। ठीक है, करने दो उन्हें मुंडन वहां। ठीक है सर। ओके। हे चिनप्पा रुक जा, रुक बोला ना। हे बंद करो, बंद बंद, अरे बंद करो ना। सुनो साहब से मैंने बात कर ली है, तुम्हें अपने बेटे का मुंडन करवाना है ना, जाओ कर लो। PSI धानी साहब की जय। PSI धानी साहब की जय। कीमा मटन चिकन खाने वाले साहब की जय। ए सिद्धा उठ जा, तुझसे मिलने कोई आया है? ए जाके बात कर ले। अरे ये यहां भी आ गई। नीली थू है तुझ पर, गांव में आराम से काम कर रहे थे ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसी बात नहीं है नीली। तो फिर क्या बात है, नीली के साथ रहकर सिद्धा खराब हो गया है, ऐसा तेरी माँ पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है। बहुत मारा क्या?
कोई बात नहीं, मैं राम भट्ट से पूछ कर आई हूँ। ये सब शनि का काट है, 11 हफ्ते तक हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसी बात है नीली, बहुत दर्द हो रहा है क्या? तूने हाथ लगाया तो अच्छा लगा नीली, कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल। ए, गांव में आकर क्या करेगा? गांव भर में अध्यक्ष कहकर घूमता रहेगा? हे, गांव के मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। उस चंद्र गौड़ा ने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया था। तेरी मर्दानगी के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ, मुंह बंद कर अपना। चल बस बहुत हुआ, टाइम हो गया, चलती हूँ। मत जा, थोड़ी देर और रुकना नीली, जाना पड़ेगा। चल चल जा, जा। नीली तू जाना, तू आ गई, तू चल, मैं जाकर आती हूँ। हाँ अरे बाबा आए थे सुना, बहुत डांटा क्या उन्होंने? तो चिंता मत कर, हाँ शंतरा ने एक वकील से बात की है, लेकिन अभी पैसे नहीं है। चिन्नी यहाँ पीछे ना बहुत मारा इन लोगों ने, घर पर होते तो तेल लगा के मालिश कर देती, यहाँ क्या करूँगी मैं? चिन्नी जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करके छुड़ाना यहाँ से। उसी का बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग, गांव में मैंने बात की है, पैसे आने के बाद वकील भी आ जाएंगे और फिर तो बाहर आ जाएगा। चिन्नी चिन्नी बैलों को बेचकर पैसा लाकर छुड़ा दे। हैं? बेच दूं उसे? नहीं बेचूंगी, एक ही तो बैल है, उसी से कमाती हूँ, नहीं बेचती। चिन्नी अरे चुप, 4 दिन यही पड़ा रहे, कुछ नहीं होगा। चिन्नी चल चलती हूं। बस बहुत हुआ, चल चल, छोड़ देंगे तो तुम लोग पुलिस स्टेशन को ही घर बना दोगे। अपना ध्यान रखना। चिन्नी चल, चुप कर। चिन्नी आई लव यू। ए आनंद, ए ए आनंद, ए शरीफ उठा उसको, ए शरीफ उठा ना उसको। सपना मत देख, यही आइए देख ले। आनंद अरे रे कितना दुबला हो गया है तू, ये लोग खाना नहीं देते हैं क्या तुझे? नहीं बहुत मारते हैं। अच्छा तू बस अच्छे से खाना खाते रहना, समय समय पर खाना खाना। खाऊंगा, बस 4 दिन की बात है, खा पी कर अच्छे से रहना। हाँ बस बहुत हुआ, लगता है सुबह दोनों ने बहुत खाया है, चल जा जा जा, छोड़ देंगे तो यहीं पे गृहस्थी बसा लोगे तुम लोग। चल जा जा, जा। सुनो साहब जी। ए, क्यों चिल्ला रहा है? शशि खाना लेकर आती हूँ मैं। ए, चल जाना। मत जाओ। सर जल्द से जल्द इस समस्या को क्लियर करो सर, सर प्लीज सर, मैंने आपके लिए सब कुछ मेंटेन किया है सर, इस प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं सर। इंस्पेक्टर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 6 महीनों के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन खत्म होने तक मुझे गांव में कोई लफड़ा नहीं चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सर इसके अलावा प्रेस वाले भी यहाँ कर बैठे हैं, TRP के लिए सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप ही कुछ करिए सर। देखो उन प्रेस वालों से कह दो MLA जी इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा बोलो। ऐसा मत बोलिए सर, प्लीज प्लीज सर। अरे मेरे घर में कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं मीटिंग में हूं, अभी फोन रखो तुम। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी एक का फेवर नहीं कर सकता हूं मैं, यहां ड्यूटी कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। छे शरीफ
देख तेरे बाबा कितने अच्छे इंसान है, तू अलग है और तेरा धंधा भी अलग है, तू क्यों इस हनुमान जी के मैटर में पड़ रहा है बता। साहब जी, शरीर पे चंदन लगाने से और मंदिर के चक्कर लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। मन पवित्र होना जरूरी है। तीन समय की सिर्फ प्रेयर करने से, शांति शांति बोलने से कोई भी ऐसे शांति दूत नहीं बन जाता। पांच बार नमाज करना, मक्का मदीना मस्जिद की सिर्फ यात्रा करने से कोई सच्चा मुसलमान नहीं बन जाता। साहब जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रार्थना पूजा शांति पुण्य अगर ये सब चाहिए तो इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए। मैं हनुमान जी के अंदर अल्लाह को देखता हूँ और अल्लाह के अंदर हनुमान जी को देखता हूँ। हनुमान और अल्लाह एक हैं, ऐसा मेरे बाबा ने सिखाया है। साहब जी, मैं हिंदू के घर पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये मेरी किस्मत है कि मैं भारत माता की गोद में पैदा हुआ एक सच्चा मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान। शाबाश शरीफ, शाबाश। तेरे जैसी सोच अगर हमारे देश के हर युवक की हो जाए तो हमारे भारत देश में झगड़े फसाद और हिंसा नहीं होगी, सब लोग शांति से जी पाएंगे। देखो, इन्होंने मुझे मारा, इस बात का मुझे जरा भी गुस्सा नहीं है। बच्चे हैं, नादानी में ऐसा कर बैठते हैं। बड़े हो गए हो तुम लोग, साहब जी बोल रहे हैं, समझा करो ना। तुम लोग के चक्कर में उस PSI ने मेरी भी जम के कुटाई कर दी है। गलती तुम लोग करते हो और सजा मुझे मिलती है, क्या ये? देखिए, दो में से आज एक फैसला होना ही चाहिए, या तो घर में मैं रहूंगा या वो रहेगा। ए, चुप हो जा बेटा है, ये सब तो होता ही रहता है। जब फूल सूख रहा है तो पेड़ को कोई काटता है क्या? हाँ, वो फिर से उगेगा ही ना, खिलेगा। परोपकाराया पलंति रुक्षः, परोपकाराया वहन्ति नदियः, परोपकाराय दुहन्ति गायः, परोपकाराय मित्यम इदम। शरीर के हिसाब से ये भी पूरी तरह अच्छे हो जाएंगे, इन्हें भी थोड़ा सा समय दे दो। समझ गया ना, स्वामी जी ने जैसा कहा वैसे ही जियो। अब सारे लोग मेरे जैसे कैसे हो सकते हैं स्वामी? अरे गुरु जी, इसके कारण मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ऐसा क्या चिन्ना, स्वामी जी को तूने कॉमेडी पीस समझ कर रखा है क्या? अरे मैं और आपके बारे में ऐसा नहीं है स्वामी जी। अब यहाँ जो लोग हैं, इन लोगों ने ऐसा सोचा तो मैं क्या करता? देखो, मैं सिर्फ बताने का काम करूंगा, बाकी सब कुछ तो इनके हाथ में जाएंगे, मैं समझाऊंगा सबको। सुना तुम लोगों ने, इतने प्यार से समझा रहे, अरे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे तुम लोग? सुनो ना क्या बोला। अरे देखो, सिद्धू स्वामी जी ने तुम लोगों को समझाया है, अभी बातें बताई उन्होंने, उनका कहना मानोगे तो हमारे मठ में आना, नहीं तो मत आना। हमारे मठ में उसके बाद पैर रखने की जरूरत नहीं है। मठ में नहीं आना, मत आना, मत आना, मत आना, मत तो देंगे नहीं ये लोग। ए शंकर, चल उठ। हे शंकर, 3 दिनों से तू घर नहीं गया और ना ही खाना खाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। तू पढ़ा लिखा है, तुझे नौकरी मिल जाएगी। अरे मुझे सिर्फ एक बार तुंगा का चेहरा बता दो ना, ये गांव छोड़कर जाऊंगा तो वापस इस गांव में नहीं आने वाला। ए शंकर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त तू तुंगा को देखने जाएगा, पागल है क्या? एक बार देखेगा बोल रहा है, कैसे भी मिलवा देते हैं यार, मिलकर के चल जाने दो इसे। ए भीमा, तू भी इसकी तरह आज बात क्यों कर रहा है? वैसे भी वो लोग हमें ही ढूंढ रहे हैं, उनके हाथ लगेंगे तो जान से जाएंगे हम। ए, तो क्या हम लोग गांव वालों के लिए अपने दोस्त को छोड़ देंगे? सिद्धा भैया, हे तू वहां जाकर देख, आराम से जा जा। हाँ, ए नाड़ी शरीफ, ठीक से नाड़ा तो बांध ले, चल यहाँ से। मुझे चिढ़ा रहा है तू? देख अभी मैं क्या करता हूँ, देखते जा, देख जा। आराम से, आराम से भीमा। हे आओ आओ,
तुंगा पैर। ए तू पागल हो गया है क्या? शांत रह, समझता ही नहीं। तुंगा तुंगा तुंगा, गौड़ा जी का सर हमने नहीं फोड़ा था, हम पर बेकार में गुस्सा मत कर। नहीं सिद्धा भैया, मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं है। मेरे पापा आपसे नाराज हो जाएं इसलिए चंद्रा गौड़ा ने ये सब करवाया था। मेरे पापा मेरी शादी गौड़ा से करवाने वाले हैं, मुझे किसी भी तरह यहाँ से ले जाओ। देख शंकर गांव जाने वाला है। हाँ। बस तुझे देखने के लिए यहाँ पर आया है, बस इतनी सी बात है। प्लीज सीता भैया। हमारे कहे मुताबिक वो तैयार रहेगी। हे शंकर, तू जाकर कृष्ण भगवान के मंदिर के पास रहना। भीमा, तू ट्रैक्टर लेकर पहाड़ पर आना। मैं, आनंद, शरीफ, परशा सब पहाड़ पर आएंगे और कल ही तेरी शादी करवाकर तुझे गांव भेज देंगे। सब लोग होशियार रहना। तुंगा बहन, तुम चिंता मत करो, सुबह सुबह तुम्हारी शादी करवा के शंकर के साथ तुम्हें हम गांव भेज देंगे। नीलकंठ, चनप्पा, तुंगा भाग कर जा रही है, आ जाओ।
शंकर, सब लोग फंस गए हैं, जल्दी चल। ए शंकर, तू गांधी बेटी के यहाँ जा, मैं शरीर को लेके बाहर भी आ जाऊंगा, जल्दी जा, जा 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 जा। तेरे बाबा की वजह से तुझे जिंदा छोड़ दिया है। अरे यार, शंकर आएगा क्या? ए दोस्त शरीफ, मैंने जो मंगल सूत्र दिया था वो कहाँ है यार? ये मंगल सूत्र मैंने नीली के लिए बनवाया था, कैसा है यार?
गौड़ा जी की बेटी है तुंगा, अपनी हैसियत के बारे में बिना कुछ सोचे समझे इसने प्यार को चुना और हमारे दोस्त शंकर से शादी कर रही है। यार आज मैं बहुत खुश हूं। औरत ने अगर ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरे बाबा हमेशा कहते थे ये दुनिया औरत से ही चलती है, औरत से ही रोशनी होती है, औरत से ही दुनिया में सुख आता है, औरत सब कुछ है। औरत बहुत जरूरी है इस दुनिया को चलाने के लिए, बाबा कहते थे। गाना न्यायालय से हनुमान भगवान के केस में दोनों गांव की सहमति से इस केस को बंद करके हनुमान भगवान की यात्रा को दोनों गांव वाले साथ मिलकर पूरी करेंगे, ऐसा एक कोर्ट आदेश देता है और जो कुछ भी हुआ उसकी पूछताछ आगे चलती रहेगी और इस कोर्ट को ये उम्मीद है कि आप लोग इसमें अपना सहयोग देंगे।